अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज रेसिपी गोना बी राजमा, पंजाबी राजमा। जी हाँ, राजमा एक ऐसी रेसिपी है, ऐसी डिश है जो ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में पानी लिया है, उसमें तेज़पत्ता, 4-5 लौंग, एक बड़ी इलायची और दालचीनी स्टिक डाल दी है और उसी के साथ मैंने भीगे हुए राजमा ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला है, अराउंड 1 टेबल स्पून, और इसमें बॉयल आने के बाद हम इसमें गलने के लिए इसको रख देंगे। तो गलाने के लिए सबसे पहले इसको एक विजल आने के बाद हल्की आंच पर आधा घंटे के लिए रख दें, जिससे ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। दूसरी तरफ अब हम राजमा की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने लिया एक पैन, उसमें ऑयल डाला है और उसमें मैंने 2 प्याज स्लाइस कट किए हुए, जिसको मैंने हल्का ब्राउन करके निकाल लिया है, ये हम साइड में करेंगे। फिर उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद मैंने डाली हैं 2-3 हरी मिर्चें, और मैंने 4 टमाटर की प्यूरी, जिसका पेस्ट बना लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर हमारा भून जाएंगे तो मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारे मसाले हम ऑयल में डाल देंगे, मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हमने जो प्याज निकाली थी उसका पेस्ट वो डाल देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। भून के हमने 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दिया है, और अब हम दूसरी तरफ अपना राजमा खोल कर देखेंगे। देखिए राजमा हमने खोला है, देखिए कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है राजमा। अब हम इस राजमे को जो हमने मसाला भूना है उसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आने लगी है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। राजमा हमारा पक रहा है, आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आया है। और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर जुलियंस और हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग से राजमा बनकर तैयार हुए हैं, और अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, हल्की आंच कर देंगे, और यू कैन सी कि बहुत ही मज़ेदार से पंजाबी राजमा बनकर तैयार हैं। और देख सकते हैं ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया, जिंजर जुलियंस और देसी घी के साथ इसको सर्व किया है, और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड डू कमेंट्स, डू लाइक्स, एंड क्लिक द बेल आइकन्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।